मनोज बाजपेयी और नीना गुप्ता की आने वाली फिल्म डायल 100 का ट्रेलर आ चुका है। कैसा रहा इसका ट्रेलर, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी अभिषेक एंड यू आर वाचिंग गूगल बॉलीवुड। दोस्तों, मनोज बाजपेयी की बात करें तो आफ्टर द फैमिली मैन सीजन 2 ये अब उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जिसका नाम है डायल 100 और इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। अगर हम इस फिल्म की बात करें तो खबरें ये आई थी सामने कि इसको OTT पे रिलीज किया जाएगा, और अगर हम इस फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर बहुत बढ़िया है। मनोज बाजपेयी इस फिल्म में कॉप का किरदार निभा रहे हैं, यानी नीना गुप्ता पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 पे कॉल करते हैं और वो कॉल लगता है सीधा मनोज बाजपेयी को, लेकिन मनोज बाजपेयी के पर्सनल लिंक्स भी होते हैं नीना गुप्ता के साथ। तो अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी बहुत बढ़िया लग रही है क्योंकि नीना गुप्ता मनोज बाजपेयी को ब्लैकमेल करती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें इस फिल्म के डायलॉग्स की तो डायलॉग्स भी बहुत बढ़िया है क्योंकि नीना गुप्ता कहती हुई नजर आ रही है कि भारत जैसे देश में एक मिडिल क्लास फैमिली होने का जुर्म कर रहे हैं वो, यानी जो मिडिल क्लास फैमिली है उनकी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और कैसे उनको जस्टिस नहीं मिलता ये दिखाया जाएगा और नीना गुप्ता जस्टिस के लिए लड़ती हुई नजर आएंगी। वैसे अगर हम ऐसी मूवीज की बात करें तो बॉलीवुड में ऐसी काफी ज्यादा मूवीज बनी है और प्राइम एग्जाम्पल है वेनसडे, जिसमें अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह नजर आए थे। उस फिल्म की कहानी की जैसी ही इस फिल्म की कहानी है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है क्योंकि पर्सनल रिलेशन होते हैं मनोज बाजपेयी के और नीना गुप्ता के इस फिल्म में। तो अंत में क्या होता है ये तो फिल्म देख के ही पता चलेगा। और अगर हम फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो 6 अगस्त 2021 को ये फिल्म Zee5 पे हो जाएगी रिलीज। अब देखना यही बाकी है कि कहानी के साथ क्या होता है और फिल्म को कितना ज्यादा प्यार मिलता है। कास्टिंग की बात करें तो 3 कलाकार हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत बेहतरीन एक्टिंग देखने को मिलेगी उनकी, नीना गुप्ता, मनोज बाजपेयी और साक्षी तन्वर। साक्षी तन्वर की बात करें तो टीवी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है साक्षी तन्वर और बॉलीवुड में भी उन्होंने पैरेलल काम किया है, और काफी देर के बाद हम साक्षी की एक्टिंग को भी देखेंगे और ट्रेलर में उनकी लुक काफी अच्छी आई है। अब देखना यही बाकी है कि 6 अगस्त को कितने अच्छे रिव्यूज मिलते हैं इस फिल्म को, और आपकी क्या राय है इस फिल्म के ट्रेलर को लेके, आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। और बॉलीवुड के साथ ही जुड़े रहने के लिए देखते रहेगा हमारा चैनल जिसका नाम है गूगल बॉलीवुड।